प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों को हम बताने जा रहे हैं आईपीसी 206। जानकारी के लिए हम बता देते हैं आपको कि भैया जब्त या निष्पादन के रूप में अपनी जब्ती को रोकने के लिए धोखाधड़ी हटाने या संपत्ति आड़ के संदर्भ में आरोपित किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को। अगर ऐसा किया गया तो आईपीसी 206 के तहत आरोपित किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जानकारी लेते रहिए। ओके सर, थैंक यू।